बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम में अलामा तालिब जोहरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर है, तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम में अलामा तालिब जोहरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची से खबर है, तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम में अलामा तालिब जोहरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ का कहना है कि गुलबर्ग पुलिस ने अमजद जोहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 21 और 241 ज़ेर दफ़ा 298A के तहत दर्ज किया गया है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफ़ा 298A गुस्ताखी और तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम पर आयद की जाती है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहरीरी दरख्वास्त और सबूत मौसूल होने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वाकया 1 मई को गुलबर्ग में पेश आया था। बड़ी अपडेट है, तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम में अलामा तालिब जोहरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम में अलामा तालिब जोहरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ का कहना है कि गुलबर्ग पुलिस ने अमजद जोहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इनके खिलाफ मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 21 और 241 ज़ेर दफ़ा 298A के तहत दर्ज किया गया है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफ़ा 298A गुस्ताखी और तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम पर आयद की जाती है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहरीरी दरख्वास्त और सबूत मौसूल होने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वाकया 1 मई को गुलबर्ग में पेश आया था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।